हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रोनाउन। इस वीडियो में पूरे प्रोनाउन को देखेंगे 9 के 9, बस और कुछ नहीं करेंगे। जल्दी से पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लो। संज्ञा की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द, वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। लगी? सरल लगी डेफिनेशन? समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, एक एक करके सीखते चलना। सबसे पहला प्रोनाउन आता है पर्सनल। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम जिससे किसका पता चले? व्यक्ति का पता चले, वो क्या कहलाएगा? इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ध्यान से देखना, अगर मुझे अपने बारे में बोलना है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? आई। आपके बारे में बात करना है तो यू। ये भी ध्यान रखना, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। कोई लड़का तो ही, कोई लड़की तो शी, कोई निर्जीव तो इट, हम तो वी। आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस। ये थोड़ा सा याद रखना। कैसे याद रखना? ऐसे याद रखना, आई यू, फिर यहां पे बोलना ही शी इट, फिर यहां पे बोलना दे और वी। ऐसे करके याद कर लो। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की, इट मतलब वस्तु, दे मतलब वे लोग, और वी मतलब हम लोग। हटाओ पर्सनल को। पर्सनल के बाद आगे आते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक। सेकेंड नंबर का है रिफ्लेक्सिव, निजवाचक। ये वो सर्वनाम है जिसमें व्यक्ति स्वयं को प्रकट करता है। जैसे मेरे को बोलना है मैं खुद से, बोलो क्या बोलना है? मैं खुद से, आई माई सेल्फ। तुम खुद से, यूअर सेल्फ, हम तो अवर सेल्फ। इसको देखो क्या हुआ, ये दोनों सिंगुलर थे तो सेल्फ सेल्फ, और ये वी प्लूरल है तो वी ई एस। अंतर समझे ना? ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ। इसका मतलब समझना, आई का मतलब होता मैं, और जब मेरे को बोलना है मैं खुद से तो आई माई सेल्फ, तुम खुद से तो यू यूअर सेल्फ, वी अवर सेल्फ, ही हिमसेल्फ। ये लड़का खुद से करेगा तो ही हिमसेल्फ, ये लड़की खुद से ये काम करेगी तो शी हर सेल्फ। दे का भी देख लो, वी जैसे प्लूरल होता है ऐसे दे भी प्लूरल होता है, तो दे का होता है देम सेल्फ्स। दे का क्या होता है? देम सेल्फ्स। याद हो गया? नहीं हुआ तो मैं कराता हूं ना। लो आओ, बोलो आई, बोलो यू, इन दो को याद करो, सिर्फ दो को याद करो। अब भी होता, आई का बोलो माय सेल्फ, और यू का भी बोलो यूअर, और यहां पे लगा दो सेल्फ। आई और यू याद हुआ, अब ही शी इट को याद करेंगे। ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा, बोलो ही और बोलो शी और बोलो इट, तीनों बोल दिए। अब देखो, अब देखो, ही का बोलो हिम, शी का बोलो हर, ही का बोला हिम, शी का बोला हर, इट का बोलो इट। अब इन तीनों में क्या जोड़ दो? सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। याद हो गया? अब दो याद करना कठिन वाले, बोलो वी और दे। वी का बोलना अवर और दे का बोलना देम। अब ये दोनों प्लूरल है ना, तो इनके बाद क्या लगेगा? एस ई एल और वी ई एस, देम सेल्स। आई का माई सेल्फ, यू का यूअर सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्स, और वी का अवर सेल्स। पर्सनल भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाओ इम्फेटिक। कुछ नहीं है, रिफ्लेक्सिव ही है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बात करे तो उसे इम्फेटिक कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव मतलब मैं खुद से, और इम्फेटिक मतलब अपने ऊपर जोर दे रहा है। एग्जाम्पल से समझो, अब भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ, मतलब मैं पढ़ाता हूं
खुद से। अब यहां पे देखो आई मायसेल्फ, दोनों में मायसेल्फ का प्रयोग देखो, यहां पे क्या हुआ बाद में हुआ और यहां पे क्या हुआ सब्जेक्ट के ठीक बाद में हुआ। अगर सब्जेक्ट के ठीक बाद में है आप आंख बंद करके बोल दो, बोलो क्या बन गया ये इम्फेटिक। अगर सब्जेक्ट के अलावा कहीं होता तो ये क्या रहता रिफ्लेक्सिव, खुद से, और सब्जेक्ट के ठीक बाद आया मतलब ये बल दे रहा है और ये बनेगा इम्फेटिक। सब्जेक्ट के बाद सेल्फ वाला दिखा तो क्या बोलना इम्फेटिक, और कहीं पे भी दिखा तो क्या बोलना रिफ्लेक्सिव। बताओ तुमको तीन याद हो गए, एक नंबर पे याद हो गया पर्सनल, दूसरे पे याद हो गया रिफ्लेक्सिव और तीसरे पे याद हो गया इम्फेटिक। छह और करना है, चलो स्पीड से। अब बोलो चार नंबर पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता विभाग सूचक सर्वनाम, इसका प्रयोग करके क्या किया जाता बंटवारा किया जाता, बंटवारा मतलब बाटो, ये शब्द याद रख लेना। ईच एवरी प्रत्येक हर एक, सबको बांटने की बात हो रही। सम, सम मतलब बोल दो कुछ, मैनी मतलब बोल दो बहुत सारे, ऑल मतलब सब और नन मतलब जीरो, याद रखना ऑल मतलब सब और नन मतलब कोई भी नहीं, मैनी मतलब बहुत सारे, सम मतलब कुछ, ये सब बांटने की बात चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। ईच एवरी सम मैनी ऑल नन। अगला प्रोनाउन देखना, पांचवें नंबर का प्रोनाउन है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्या नाम है इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब ये प्रोनाउन क्या करेगा संकेत देगा, क्या संकेत देगा एक वचन है बहुवचन है पास है या दूर है। बोलो ये सर्वनाम क्या करता है संकेत देता है दो, क्या बताता है पास में है कि दूर है, एक वचन है या बहुवचन है। केवल चार शब्द रहते हैं सर्वनाम में, सबसे पहले रहता दिस, तो बोलो दिस क्या बताता है पास है और क्या है एक वचन, दैट क्या बताता दूर है और क्या है एक वचन, ये दीस क्या बताता अंतर देखना दिस और दीस, ये जो दिस था ना ये बोलता है केवल कितना वचन है एक वचन है, पास में तो दोनों बोलते हैं, दिस भी बोलता पास में है और दीस भी बोलता पास में है, पर यहां पे वचन कैसा हो जाता बहु वचन, दोस्त बोलता दूर है तथा बहु वचन। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, ये आप देखो ये मैंने लिखा दिस और ये मैंने लिखा दीस, आप देखना बहुत बारीकी से दोनों में क्या अंतर है, ये दिस के बाद क्या आएगा गर्ल, क्योंकि दिस के बाद एक वचन आता, और ये दीस के बाद क्या आएगा गर्ल्स, क्यों क्योंकि दीस के बाद बहुवचन आता है, समझ गए ना दिस और दीस ये बताता है एक वचन या बहुवचन। ऐसा ही नियम चलेगा डेट में भी और दोज में भी, देखो कैसा नियम चलेगा, अगर मैंने बोला डेट तो डेट के बाद आएगा बॉय, पर अगर मैंने बोला दोस्त तो दोस्त के बाद आएगा बॉयस, डेट के बाद एक वचन दोस्त के बाद बहुवचन, हो गया हो गया हो गया, देखो कितने सारे हो गए। पर्सनल आई यू ही शी इट दे वी खत्म, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ यूअर सेल्फ अवर सेल्फ हिम सेल्फ देम सेल्फ अवर सेल्फ, ये भी हो गया। इम्फेटिक सब्जेक्ट के ठीक बाद सेल्फ वाला शब्द आया तो इम्फेटिक, बांटने की बात चल रही ईच एवरी सम मैनी ऑल नन, डिस्ट्रीब्यूटिव संकेत की बात चल रही डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीस दोस, चार और है जल्दी से देखना। अब देखो इंट्रोगेटिव, बोलो क्या नाम है इंट्रोगेटिव, ये कहलाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग करके वाक्य में व्यक्ति पर सवाल किया जाता है, देखना ध्यान से तुम कौन हो किसने किया, ये व्यक्ति पे सवाल कर रहा है हु आर यू हु डिड दिस, ये दोनों हु, ये देखो हु सवाल कर रहे कि नहीं कर रहे, अगर वाक्य में व्यक्ति पे सवाल किया तो वो शब्द क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखना ये इंट्रोगेटिव आगे चल के क्या बन जाता है रिलेटिव, हाँ कैसे बनेगा देखना, इसका प्रयोग करके संबंध बताया जाता है हु आर यू, बोलो हु आर यू तुम कौन हो प्रश्न, तुम कौन हो हाँ कौन हो ये प्रश्न। अब देखना ये हु क्या बनेगा रिलेटिव, द बॉय हु इज इन रेड शर्ट,
ये लड़का कौन है? प्रश्न हुआ, ये लड़का जो रेड शर्ट में है मेरा मित्र है। ये लड़का जो रेड शर्ट में है मेरा मित्र है, बोलो रिलेशन हुआ। अगर संबंध बताया तो रिलेटिव और प्रश्न बताया तो इंट्रोगेटिव। ये किसने किया? ये किसने किया? ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव। ये जिसने किया वो मेरा स्टूडेंट है, द पर्सन हु डिड इज माई स्टूडेंट। ये क्या बताया? रिलेशन। संबंध बता रहा है तो रिलेटिव और प्रश्न उठा रहा है तो इंट्रोगेटिव। देखो कितने सारे हो गए, पर्सनल। जैसे ही मैं पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे बोलना आई यू ही शी इट दे वी। पर्सनल के बाद रिफ्लेक्सिव, सेल्फ वाले शब्द। इम्फेटिक, सेल्फ वाले शब्द। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ईच एवरी, सम मैनी ऑल नन, बांटने वाले। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत वाले, दिस दैट दीज दोज। ये पांच हो गए, इसके बाद दो और याद कर लो। इंट्रोगेटिव प्रश्न उठाएगा, रिलेटिव संबंध बताएगा। कौन है? प्रश्न, जिसने किया वो मेरा दोस्त है। संबंध, इंट्रोगेटिव भी हो गया, रिलेटिव भी हो गया। अब देखो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता परस्पर, दो लोगों की बात करेगा। इसका प्रयोग आपस में या एक दूसरे से बताने के लिए किया जाता है। अगर कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो ये उनका आपसी मामला है, और दो से ज्यादा लोग लड़ रहे हैं तो ये एक दूसरे का मामला है। देखो दो लोग हैं तो क्या आएगा? आपस में। दो से अधिक है तो क्या आएगा? एक दूसरे से। अगर दो लोग हैं तो आपस में, और दो लोगों के लिए क्या लगाना? ईच अदर। ज्यादा है तो क्या लगाना? वन अनादर। एग्जाम्पल देखना, अब भी क्लियर हो जाएगा, अब भी क्लियर हो जाएगा। राम एंड रावण, कौन कौन है? राम एंड रावण आर फाइटिंग। बोलो कौन कौन लड़ रहा है? राम एंड रावण आर फाइटिंग विथ। बताओ यहां पे आप क्या लिखोंगे? ईच अदर की वन अनादर। दिखती बात है दो लोग हैं तो बोलो दो लोग हैं तो क्या लगेगा? ईच अदर। समझे ईच अदर का प्रयोग? अगर वाक्य में दो लोग हैं तो किससे बताना? ईच अदर से। अगला सेंटेंस सुनना, एट बॉयज। बोलो कितने बॉयज हैं? एट बॉयज आर फाइटिंग। वहां पे दो लोग लड़ रहे थे और यहां पे कितने लोग लड़ रहे हैं? एट लोग। एट बॉयज आर फाइटिंग है ना, तो यहां पे आएगा वन अनादर। समझे नियम को? अगर वाक्य में दो लोगों का काम है तो किससे बताना? ईच अदर से। और दो से ज्यादा है तो किससे बताना? वन अनादर से। लास्ट प्रोनाउन इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। यह प्रोनाउन उस व्यक्ति को बताता है जिसके बारे में कुछ भी निश्चित पता नहीं। जैसे आप बोलते ना कोई आया, कौन आया पता तुमको? नहीं पता, तो तुम बोलते कोई आया। कोई आया मतलब अनिश्चित। समबडी केम, समबडी का मतलब ही होता है हमको व्यक्ति के बारे में पता नहीं। सम वन, समबडी, एनी वन, एनी बडी, ये सब होते हैं अनिश्चित। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं, मेरे साथ बोलते जाओ। बोलो सबसे पहले पर्सनल, पर्सनल में क्या आएगा? आई यू ही शी इट दे वी। बोलो पर्सनल प्रोनाउन सबको याद हो गया। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की, इट मतलब वस्तु, वी मतलब हम, दे मतलब वे। खत्म। पर्सनल के बाद अगला लाओ, अगला लाओ, अगला लाओ। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब सब में क्या लग जाएगा? सेल्फ, आई का, माई सेल्फ, शी का, हर सेल्फ, ही का, हिम सेल्फ। और ये रिफ्लेक्सिव ही अगर सब्जेक्ट के ठीक बाद रहा तो क्या बन जाएगा? एम्फेटिक। सब्जेक्ट के ठीक बाद रहा तो एम्फेटिक। तीनों को हटाओ, अब दो लाओ। बोलो डिस्ट्रीब्यूटिव बांटने की बात करेगा। शब्द बोलो ईच, एवरी, सम, मैनी, ऑल, नन। फिर बोलो डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत बताएगा, किस किस से बताएगा? चार शब्द से बताएगा, दिस, दैट, दीस, दोस। तीन और दो पांच, देख लो देख लो। पर्सनल हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, एम्फेटिक हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव हुआ। अब मेरे साथ बोलना आई आर, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। अगर प्रश्न उठाया
तो इंट्रोगेटिव, संबंध बताया तो रिलेटिव, फिर क्या बचा रेसिप्रोकल, दो लोग हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा है तो वन अनदर, और लास्ट में आता इनडेफिनेट, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी। हो गया पूरा प्रोनाउन खत्म खत्म खत्म। थैंक यू। एक काम कर दो प्लीज, जो भी आई रिपीट, जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज शेयर करो, ये जानकारी सबके पास पहुंचाओ, सबको पता होना चाहिए प्रोनाउन कितने हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या हैं। और अगला वीडियो देखो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेसिफिक रूल्स। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ रूल्स ऑफ प्रोनाउन। थंबनेल देख लेना, रूल्स ऑफ प्रोनाउन बाय सुमित सर। थैंक यू वेरी मच।